देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज एक होटल के सभागार में प्री लॉन्च मीटिंग के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर बताया कि लोगों को घर घर जाकर टीबी के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इलाज भी किया जाएगा, जिसमें सहारनपुर डीएमपी के पांडे ने कहा कि टीबी के मरीजों का संबंधित विभाग से मुफ्त इलाज कराया जाएगा। यह अभियान उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 24 फरवरी से 10 मार्च तक चलाया जाएगा। सहारनपुर में कमेला कॉलोनी, इंदिरा चौक, खलासी लाइन आदि अनेकों स्थानों पर अभियान चलाया जाएगा। टीबी मुक्त किए जाने हेतु फर्स्ट फेज में चुना गया है। फर्स्ट फेज में कुल 6 जनपद चुने गए हैं, इसमें एक जनपद सहारनपुर भी है। इस कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाए जाने के लिए एक स्टेक होल्डर्स हमारे से लेवल पे बैठक पहले हो चुकी है और उसपे इस प्रोग्राम को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाना है इसकी रूपरेखा हम लोग बना चुके हैं। ये उसका फॉलो अप एक्शन है कि हमें आगे क्या करना है, हमारा प्रोग्राम सबसे चलना है। तो हमारा प्रोग्राम 24 तारीख से लेकर के 10 मार्च, 24 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक चलेगा। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि टीबी का मरीज हॉस्पिटल आए, हमें डोर टू डोर सर्वे करके मरीजों को आइडेंटिफाई करना है और घर पर ही उन्हें सारे ट्रीटमेंट देना है। तो इस प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो टीबी के मरीज हैं उनको पूरी तरीके से स्वस्थ करा करके जनपद को टीबी से मुक्त किया जाए, ये जन हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।